आइए जानते हैं ग्लैमरस जगत की आज की इम्पोर्टेंट खबरों को जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। अभिनेता श्रेयस तलपड़े हो गए थे क्लिनिकली डेड, हुआ दूसरा जन्म। फिल्म अभिनेता श्रेयस तलपड़े को बीते साल 14 दिसंबर को हार्ट अटैक पड़ा था। अब वह पूरी तरह ठीक और घर पर आराम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीडिया नेटवर्क से बातचीत के दौरान उस वक्त की अपनी कंडीशन को शेयर करते हुए बताया है कि उस वक्त वेलकम टू द जंगल की शूटिंग कर रहे थे। मेरा आर्मी ट्रेनिंग का सिक्वेंस था जिसमें रस्सी पर चढ़ना, पानी में गिरना था। आखिरी शॉट में अचानक मेरी सांस उखड़ने लगी और मेरे बाएं हाथ में दर्द होने लगा। मैं बहुत मुश्किल से अपनी वैनिटी तक पहुंचा। फिर जब हम कार में बैठकर डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे तब मेरा चेहरा सुन पड़ चुका था और मुझ में जान ही नहीं थी। कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने CPR, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह दिया, तब वापस मैं जी पाया। यह मैसिव कार्डियक अरेस्ट था, मैं क्लिनिकली डेड हो चुका था। करण जौहर ने खोला फिल्म हिट कराने का राज। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर हाल ही में एक राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बहुत बार हम लोग PR के लिए अपने ही लोगों को भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि वह फिल्मों की तारीफ करें, और ऐसा ही होता है। कभी कभी आप एकदम बेहतरीन फिल्म नहीं बना पाते। जाहिर है कि सभी चाहते हैं कि फिल्म के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस बाहर आएं। जब आप फंसे होते हैं तो क्रिटिक करते हैं, लेकिन फिर आप उन क्रिटिक्स को खोजते हैं जिन्होंने फिल्मों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हों और 5-star, 4-star, 3-star जैसा बड़ा बड़ा पोस्टर बनवाते हैं, जिनमें से कुछ क्रिटिक ने तो खुद अपना अपना नाम नहीं सुना होता है। जबकि हम इन्हें खोज लेते हैं, हम करते हैं ऐसा भी। मनीष मल्होत्रा की फिल्म में दिखाई देंगे नसरुद्दीन शाह। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की स्टेज 5 प्रोडक्शन में बन रही फिल्म उल जलूल इश्क की शूटिंग 9 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जिसकी जानकारी मनीष ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से दी। उन्होंने इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि बेवकूफियां, नादान गलतियां, बड़ी भूल है इश्क। सच पूछिए तो मेरे लिए हुजूर उल जलूल है इश्क। इस फिल्म में अभिनेता नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और शारिब हाशमी नजर आएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स के लिए कलाकारों ने ली बड़ी रकम। रोहित शेट्टी की मच अवेटेड वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के लिए कलाकारों ने मोटी रकम वसूली है। खबर है कि इस वेब सीरीज के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 5 करोड़ रुपए फीस ली है। शिल्पा शेट्टी ने 2 करोड़ रुपए, विवेक ओबराय ने 1.5 करोड़ रुपए और शरद केलकर ने 1.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। यह वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी। इसके जरिए रोहित शेट्टी OTT पर डेब्यू कर रहे हैं। चैट लीक मामले में ऑरी ने पेश की सफाई। पलक तिवारी के साथ बातचीत का एक स्क्रीनशॉट ऑरी ने शेयर किया था जिसमें पलक उनसे माफ़ी मांग रही हैं। इसके बाद लोग ऑरी को ट्रोल करने लगे थे। अब ऑरी ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि पलक किस बात की माफ़ी मांग रही है। ज़रा इस बारे में भी सोचो, आप लोग उसे माफ़ ना करने के लिए डांट रहे हैं, लेकिन उसने गलत किया था। इतना गलत कि किसी तीसरे इंसान को शामिल होना पड़ा और उसे बताना पड़ा कि उसने गलत किया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।